साग और कलेजी की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले कभी नहीं खाई होगी इतनी टेस्टी और इतनी सी उम्मीद जो मैंने भी फर्स्ट टाइम खाई और बिल्कुल भी सिसाइन नहीं आती जो लोग नहीं खा पाते हैं ना साग और मतलब कलेजी की जो रेसिपी होती है ना कलेजी जो नहीं खा पाते सिसाइन की वजह से तो वो भी अब ज़रूर खाएंगे तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले मैंने साग बीन के उसे अच्छे से कट कर लिया बारी को धो लिया और कलेजी को मैंने पानी में डालकर नमक डालकर बॉईल कर लिया और ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हरी मिर्च टमाटर प्याज काट लिया है और तेल जो आप जो भी यूज़ करें तो उसके बाद में हमने कढ़ाई में एक कढ़ाई को रख दिया फुल आँच पर तो अब कढ़ाई होने के बाद में हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल जब सरसों का तेल हो जाएगा और इसमें खड़े मसाले भी ऐड करते हैं अगर आप चाहें तो जीरा गर्म मसाला और सफ़ेद मतलब तेज़पात के पत्ते तो हमने डाल दिया ज़ीरा तेज़पात के पत्ते गर्म मसाला मुझे नहीं पसंद था तो इसे मैंने नहीं डाला फिर प्याज डाल के इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है उसमें डालना है कलीची जो मैंने बॉयल की थी तो उसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि हमारी कलेजी का जो भी मतलब सिसंदापन जो बचा खुचा ना वो भी निकल जाए आप और सिसंदापन निकालने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालें ताकि जो भी सिसेंदपना होगा वो निकल जाएगा जीरा गरम मसाले का पेस्ट भी पे ऐड कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से कलेजी में मिक्स हो जाए और अच्छे से पक भी जाए तो मसाला हमारा लग ना जाए इसलिए थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पके और थोड़ा सा जानापन दूर हो जाए तो अब इसको थोड़ी देर छुपा कर पका लेना है ताकि अच्छे से पक जाए उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसे चेक करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो काट कर रखे थे टमाटर और हरी मिर्च वो इसमें ऐड करके इसको भी मिक्स कर देंगे और पाँच मिनट तक हल्की आँच पर इसको भी पका लेंगे अच्छे से ताकि ये भी अच्छे से पक जाए अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन प्रेस कर ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले मिले तो अब हम इसमें ऐड करेंगे साग को जो हमने काट कर एक तरफ़ रख दिया था अब इसको अच्छे से मिक्स करके भी हल्की आंच पर हमें पका लेना है और इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि साग में ऑलरेडी पानी होता है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी अगर नीड हो तो आप डाल सकते हैं और धीमी आंच पे इसको अच्छे से पका लें तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके और इसको मिक्स करके अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना अगर नमक कम हो तो अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं वरना मत डालिए कुछ भी अब इसको रख देना है और कुछ देर इंतज़ार करना बीच बीच में चेक करते रहना कि हमारा साग जल ना जाए तो इसको चेक कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ और अब इसको थोड़ी देर बाद फिर चलाना है अब देखिए कि इसमें पानी जल चुका है और साग हमारा अच्छे से पक चुका है अभी लेकिन पाँच मिनट इसको और पकाना ताकि और अच्छे से ये पक जाए और फिर हम इसको निकाल कर सर्व करेंगे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वाद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता रेस्टोरेंट में भी ऐसा इतना अच्छा खाना नहीं बनेगा जितना आप अच्छा घर पर बनाकर सबके साथ में खा सकते हैं तो हमारा रेसिपी तैयार हो गया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय